रुक कर लेंगे कुलभूषण का। कुलभूषण आज बोर्ड के एग्जाम दिए, क्या कुछ तमाम तैयारियां, इसके अलावा कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? देखिए, आज से मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम परीक्षा सेंटर में मौजूद हैं और ये तस्वीर आप परीक्षा सेंटर की देख सकते हैं। हालांकि कोविड की तीसरी लहर के साथ जो है यहाँ पे 12वीं और 10वीं के एग्जाम होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में टोटल जो छात्र छात्राओं की संख्या है वो 18 लाख है। 12वीं के छात्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12वीं के जो स्टूडेंट है आज मध्य प्रदेश में 7 लाख बच्चे जो है 12वीं का एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही परीक्षा सेंटर में सबसे पहले बच्चों को जो है कोविड नियम का पालन करना होगा। यहाँ पे जो भी बच्चे पहुंच रहे हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, उनके साथ सैनिटाइज की छोटी बोतल, और इस परीक्षा सेंटर में प्रवेश के पहले जो है उनका टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया जा रहा है। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो एक अलग से रूम की व्यवस्था की गई है। अगर कोविड के कोई भी लक्षण होते हैं, सर्दी जुकाम होता है या अन्य कोई लक्षण पाए जाते हैं तो अलग से कोविड रूम एक बच्चों के लिए बनाया गया है और उस रूम में जो है बच्चों को बिठाया जाएगा। इसके साथ ही जो भी बच्चे यहाँ पे परीक्षा सेंटर में पहुंच रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि वो नकल ना करे, उड़न दस्ते यहाँ पे नकल को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे उनकी चेकिंग भी की जा रही है, प्रवेश पत्र भी देखा जा रहा है, इसके साथ कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बच्चों का देखा जा रहा है। और ये तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं जिस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर में टेम्परेचर भी नोट किया जा रहा है। हम जो यहाँ की टीचर हैं उनसे भी बात करेंगे। और मैम, किस प्रकार से बच्चों को जो है आज परीक्षा सेंटर में अनुमति दी गई, क्या क्या पालन करना होगा? इनको कोविड का पालन करना होगा और टीका लगा हो, जो बच्चे 15 से ऊपर के उनको टीका लगा हो, और साथ ही समय का ध्यान रखना होगा। 50 के बाद उनको पौने मतलब 9:50 के बाद एंट्री नहीं होगी उनकी। 10 बजे से 1 बजे तक का एग्जाम रहेगा? हाँ, 10 से 1 का टाइम है एग्जाम का। नकल रोकने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था है? इनकी यहाँ पर जांच की जा रही है, कमरे में जाएंगे वहाँ भी जांच की जाएगी कि कोई चीट या कुछ अन्य सामग्री अनुचित साधन तो नहीं लेकर आए हैं वो। मैम, इस बार ये देखा गया थोड़ी सी तकलीफ बच्चों को जरूर हुई होगी क्योंकि क्लासेस बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन। हाँ। तो क्या एक्स्ट्रा क्लास आप लोग की तरफ से दिए गए थे बच्चों को कि वो पूरी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए? एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं दिए गए थे, मगर बच्चों को जब भी आवश्यकता पड़ी, जब हमने उनको समझाया और पढ़ाने की उनको जो भी कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है बच्चे अब एग्जाम देने पहुँच रहे हैं। बेटा, ऑनलाइन के बाद अब एग्जाम होने जा रहे हैं, डर है या फिर तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी पूरी नहीं हुई, बस नॉर्मली तैयारी है। नॉर्मली तैयारी है। हाँ। तो मतलब आपने ऑनलाइन क्लासेस में कुछ कमियां रह गई हैं। हाँ। आपने ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी की थी या ऑफलाइन एग्जाम? ऑफलाइन की तैयारी की थी। हाँ। चलो, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे बच्चे जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, यहाँ पे कह सकते हैं हम ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए। और लगातार जो है बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मोबाइल ले जाने की परमिशन यहाँ पे परीक्षा सेंटर में नहीं दी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ पेन, कागज, पानी की बोतल, सैनिटाइज और जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है इसके साथ ही स्केल तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।